हिंदी फिल्मों में आपने ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि इतिहास अपने आप को एक बार जरूर दोहराता है। तो जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेलल लाइफ के बारे में। पैरेलल लाइफ को सुन के कुछ लोगों के दिमाग में पैरेलल यूनिवर्स का ख्याल आया होगा, लेकिन पैरेलल लाइफ और पैरेलल यूनिवर्स दोनों का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पैरेलल यूनिवर्स अगर आप नहीं जानते क्या है, तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बना रखी है और उसके रियल इंसिडेंसेस भी शेयर किए हैं जो कुछ साल पहले टोक्यो शहर में घटित हुआ था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ निखिल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैरेलल लाइफ के बारे में। तो जैसे अभी मैंने बताया, पैरेलल लाइफ सुनने में ये सब चीज़ सिर्फ काल्पनिक या साइंस फिक्शन लगती हैं, लेकिन जब वही सब चीज़ें अगर असल ज़िंदगी में हो तो उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पैरेलल लाइफ को अगर अब मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक ही लाइफ इंसिडेंसेस को दो लोग जीते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त है तो जो लाइफ आप जी रहे हो, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वही सेम चीज़ें आपके दोस्त के साथ भी हो रही होती हैं। अब मे बी आप एक दूसरे को जानते हो, दोस्त हो, या माइट भी आज तक आप उस इंसान से मिले ही ना हो जो आपके जैसे ही सेम या एग्जैक्ट लाइफ को जीता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आप लोगों के साथ जो इंसिडेंट्स और फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे, और साथ में ही जॉन एफ कैनेडी जो खुद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब मैं इनके नाम आपको क्यों बता रहा हूँ तो सुनिए। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और जॉन एफ कैनेडी भी ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने के ठीक 14 साल पहले यानी 1846 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए सिलेक्ट हुए थे। वही जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बनने के ठीक 14 साल पहले यानी कि 1946 में यूनाइटेड कांग्रेस के लिए सिलेक्ट हुए थे। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों की नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की गई थी, और वह भी गोली मार के। और कोइंसिडेंसेस तो देखिए, दोनों को गोली सर में ही मारी गई थी। और अब जो बताने वाला हूँ वो सुनिए। इन दोनों के जो मर्डरर थे, जिनका नाम जॉन विल्स बूथ जो 1839 में पैदा हुए थे, और जॉन कैनेडी का जो मर्डरर था जिसका नाम ली हार्वी ओसवाल्ड था, जिसका जन्म 1939 में हुआ था। यानी दोनों के मर्डरर का डेट ऑफ बर्थ में भी 100 साल का डिफरेंस है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब्राहम लिंकन को फोप थिएटर में मारा गया था, वहीं जॉन एफ कैनेडी को फोप कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड लिंकन कार में मारा गया था। और इन दोनों की हत्यारे को कोर्ट में जाने से पहले ही मार दिया गया। मतलब इनकी भी जो मर्डरर थे उनकी भी नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उनकी भी हत्या की गई थी। मतलब आप देख सकते हो, भले ही ये दोनों साथ में नहीं जिए, लेकिन इनके लाइफ में हर एक चीज़ एक जैसी ही घटित हुई। जन इतिहास ने अपने आप को एक बार दोहराया। ये दोनों लोग काफ़ी फेमस लोग थे, इसके लिए इनकी कहानी को आज हम पैरेलल लाइफ थ्योरी से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंसेस भी कहेंगे, क्योंकि हमें पैरेलल लाइफ की और कोइंसिडेंसेस हमें पता नहीं है। थोड़ी रिसर्च करने पर मैंने पाया कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता, जो पैरेलल लाइफ होने का सबूत देती हैं। और दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो पैरेलल लाइफ को जी रहे हैं या फिर जी चुके हैं। इसे देखिए, इसका नाम है मैरी एसफोर्ड और इसका नाम है बारबरा फॉरेस्ट। इन दोनों का जन्म एक ही जगह हुआ, इंग्लैंड। ये दोनों की मौत की वजह हत्या थी। ये दोनों 20 साल की उम्र में ही मरी और हत्या करने का जगह भी एक ही था, जिसका नाम था पाइपे हैस पार्क, जो इंग्लैंड में है। कि इन दोनों के जो हत्यारे थे उनका भी सरनाम एक ही था, अब्राहम थॉर्नटन और माइकल थॉर्नटन। इंटरनेट पर जब आप मैरी एसफोर्ड और बारबरा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे तो ये दोनों ने एक ही लाइफ को जिया और हर एक घटना एग्जैक्ट सेम थी। जी, अपने आप में ही खुद एक पैरेलल लाइफ होने का सबूत है। एक्सपर्ट इसे एक दूसरे के डेस्टिनी से भी जोड़ते हैं। मतलब जो मेरे डेस्टिनी में है और जो मेरे साथ हुआ, वही सेम सारी चीज़ें किसी और की डेस्टिनी में है, और जिस सिचुएशन में मैं गुजरा वही सेम सिचुएशन किसी और के साथ होती है या फिर भविष्य में होगी। एक्सपर्ट इसे पैरेलल लाइफ थ्योरी से जोड़ते हैं। प्लूटार्क लाइफ ऑफ द नोबल ग्रीक एंड रोमन बुक में ऐसे 48 लोगों की बायोग्राफी है जो पैरेलल लाइफ जी चुके हैं। उस किताब में 48 लोगों के पैरेलल लाइफ से रिलेटेड कोइंसिडेंसेस शेयर किए गए हैं।
और ऐसे ही न जाने कितने एविडेंस हैं हमारी इस दुनिया में जो आज भी पैरेलल लाइफ होने का सबूत देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपकी नज़र में भी ऐसा कोई है या फिर आप किसी को जानते हो जो सिमिलर या पैरेलल लाइफ को जी रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका दोस्त निखिल।